गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ सेशन एंड टॉपिक इज़ 26। आज हम सीखेंगे नंबर 26। सबसे पहले ट्रेस करते हैं। टू सिक्स 26। सभी ट्रेसिंग वाले नंबर को पहले ट्रेस करके कंप्लीट कीजिए। 26 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
एनी हेल्प इन बॉक्स में 26 नंबर लिखना है लाइक दिस 2 6 26 2 6 26 2 6 26 2 6 26 2 6 26 2 6 26 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
नेक्स्ट देखते हैं, काउंट द एग प्लांट्स एंड कलर द नंबर। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग प्लांट। क्या आप जानते हैं एग प्लांट किसे कहते हैं? एग प्लांट ब्रिंजल को ही एग प्लांट भी कहा जाता है। जैसे किसी एक बच्चे के दो नाम होते हैं, जिसे उसे घर पर किसी निक नेम से बुलाया जाता है, जबकि उसका स्कूल में कुछ और नाम होता है, इसी तरीके से हम इन्हें ब्रिंजल और एग प्लांट दोनों ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, जिन्हें आपको काउंट करना है और बताना है हाउ मैनी एग प्लांट्स आर देयर। सो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारी प्रीवियस काउंटिंग भी रिवाइज हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. There are 26 eggplants. So अब आपको अपनी चॉइस के किसी भी कलर से इस 26 नंबर में कलर फिल करना है। अब देखते हैं प्रैक्टिस टाइम। ऑब्जर्व द डॉट्स अपेयरिंग ऑन द ब्लॉक्स एंड फॉर्म द नंबर वंस हैज बीन डन फॉर यू। देखिए आपको यहाँ पर दो बॉक्स ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ डॉट्स हैं। आपको उन ब्लॉक के डॉट्स के अकॉर्डिंग नंबर की फॉर्मेशन करनी है। जैसे देखिए फर्स्ट ब्लॉक में वन डॉट है, तो आपको नंबर लिखना है 1, जबकि सेकंड ब्लॉक में टू डॉट्स हैं तो नंबर लिखना है 2। अब ये नंबर बन गया 1, 2, 12। इसी तरीके से आपको इन ब्लॉक्स के डॉट्स के अकॉर्डिंग नंबर की फॉर्मेशन करनी है। जैसे कि हमारे फर्स्ट ब्लॉक में है नंबर 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, जबकि सेकंड बॉक्स में है डॉट्स, इन्हें काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो आप सेकंड बॉक्स में है 9 डॉट्स, तो आप सेकंड नंबर लिख दीजिए 9। तो फर्स्ट बॉक्स में है 1 डॉट, जबकि सेकंड ब्लॉक में है 9 डॉट्स, तो नंबर बन गया 1919। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ब्लॉक में है 1 डॉट, सेकंड ब्लॉक के डॉट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड ब्लॉक में है 7 डॉट, तो नंबर जो बना वो है 1717। नेक्स्ट है, फर्स्ट ब्लॉक में डॉट है 1, सेकंड ब्लॉक के डॉट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर यहाँ पर जो हमें मिला वो है 1818। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको ब्लॉक्स में दिए गए डॉट के अकॉर्डिंग नंबर की को फॉर्म करना है, नंबर की फॉर्मेशन करनी है, और जो सर्कल है उसमें करेक्ट नंबर लिखना है। ये है आपका आज का मैथ्स होमवर्क, आपको पेज नंबर 109 अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। बट ध्यान रहे, होमवर्क करने से पहले डेट मेंशन करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपको 26 नंबर की प्रैक्टिस रिटर्न में अपनी मैथ नोटबुक में आज की डेट डालकर करनी है। ये है आपका नोटबुक का होमवर्क। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।